काउंटिंग से पहले हाल फिलहाल आपने अमित शाह के साथ मुलाकात की है, सियासी मायने बदल गए हैं, कहा जा रहा है आंकड़ों पर आप लोगों ने चर्चा की है, क्या बहुमत आ रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई है, प्लानिंग बनाई है, कैसे आप लोग क्या क्या करने वाले हो, तो कुल मिलाकर बंद कमरे के अंदर क्या क्या डिस्कशन रहा? चुनाव संबंधित कोई चर्चा नहीं है अमित भाई से, विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में चर्चा हुई है और इसलिए उस चर्चा का कोई बताने लायक नहीं आपको कि हम क्या बताएं आपको, पर हाँ ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारी बनेगी। सर्वे बोल रहे हैं कि बीजेपी काबिज होने वाली है, लगभग 160 तक की सीटें यहाँ पर आने वाली है, लेकिन कुछ सर्वे ये भी बोल रहे हैं कि कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा कांग्रेस और बीजेपी में, यानी कि नेक टू नेक टक्कर यहाँ पर देखी जाएगी। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा, जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। अगर कोई द्वंद आता है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कैलाश विजयवर्गीय का क्या मास्टर प्लान है? कोई मास्टर प्लान नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। क्योंकि पिछली बार ये सीट की बात करें तो शायद 55 तक सीटें यहाँ पर थी, सर्वे कह रहे हैं कि 41 सीटें यहाँ पर आएगी और कांग्रेस का रिडक्शन यहाँ पर देखा जाएगा, जो पहले 28 पे थी वो 14 पर सिमटकर रह जाएगी। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि 75 सीट कांग्रेस अगर क्रॉस कर गई तो मुझे आश्चर्य होगा। राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस ये क्लेम कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश है ये करप्शन सिटी है, भ्रष्टाचार की राजधानी है। ये परिणाम बता देंगे कि विकास वाली मध्य प्रदेश राजधानी है या भ्रष्टाचार वाली है। हमने विकास किया है और जनता इसीलिए हमको प्यार कर रही है और फिर से हमको सरकार में इसीलिए ला रही है। कांग्रेस को ये डाउट है कि आप से छेड़छाड़ काउंटिंग में कोई गड़बड़ी कर सकते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्सेस लगवाने की बात की है कल के लिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने हार मान ली। जब भी कांग्रेस हारती है तो वह आरोप बेचारे ईवीएम पर ही लगाती है और इसका मतलब है कि वो कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और कोई बचता नहीं, बेचारा ईवीएम ही बचता है तो उसको गाली देंगे वो। ये नहीं कि कांग्रेस अपने बारे में आत्मविश्लेषण करे कि उनका नेता कौन है, उनकी नीति क्या है। वो कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर एक समय राज करती थी वो कांग्रेस आज सिमटती क्यों जा रही है, उसका कारण है कि ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है कांग्रेस की। और इसलिए हार के लिए पहले से ही माहौल बनाना कि हम हार किसके माथे मंडे, तो ईवीएम के माथे मंड रहे हैं वो अभी से। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी काबिज हो जाती है तो सीएम क्या शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं या किसी और के सर पर आप सीएम का ताज रखेंगे? देखिए ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पर मोहर लगाएगी, पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। ये सुखबुगाहट है कि जो आला कमान है बीजेपी के वो शिवराज सिंह चौहान से शायद नाराज भी है, वो नहीं चाहते हैं कि वो रिपीट हो या कुछ चीज़ें रहें उनके साथ। ये सब किस्से कहानियाँ हैं जो कहीं से आती है और लोग चर्चा करते हैं। आला कमान को इतनी फुर्सत नहीं कि वो शिवराज जी से नाराजगी अपनी निकाले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने है जितने भी राज्य में चुनाव चल रहे हैं उनको बोला वहीं पर ही रहिए और वहीं पर ही जिम्मेदारियों को फॉलो करिए, देखिए वोटों की गिनती पर नज़र रखिए, मतलब वो इतने अफ्रेड है कि वो अपने तमाम नेताओं को भी बोल रहे हैं कि नज़र रखिए बीजेपी पर कि कहाँ काउंटिंग कैसे होगी। ये सब हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं लोग और जब हार जाएगी कांग्रेस उसके बाद ईवीएम पे आरोप लगाएगी, प्रशासन पे आरोप लगाएगी, चुनाव आयोग पे आरोप लगाएगी, ये पटकथा पहले से लिखी हुई है। क्योंकि आपको एक हिंदू राष्ट्र नेता के तौर पर रहता है मजबूती के साथ, सीटी रवि ने ट्वीट करा है, वो बोल रहे हैं कि किसी को भी अगर धन्वंतरी की छवि से कोई दिक्कत है तो वो भारत छोड़े, पाकिस्तान चले जाए। तो बीजेपी नेताओं का जो ये द्वंद दिखाई देता है अपोजिशन पर, वो बार बार पाकिस्तान जाने के लिए कहते हैं, जो भारत की छवि से नाराज है, भारत को खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों का साथ दिया, आज यदि आप देखेंगे अभी इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने इसराइल का समर्थन किया पर कांग्रेस हमास का समर्थन कर रही है,
तो कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों का साथ दिया है और इसलिए कांग्रेस के ऊपर इस प्रकार के कमेंट्स होते हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। जो मिजोरम है वहाँ पर है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस काउंटिंग की डेट को बदल दिया है, इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि मिजोरम जो है वहाँ पर बीजेपी की सरकार, क्योंकि वहाँ पर लोकल पार्टी इस तरह बहुमत वाली सरकार बनती है, काउंटिंग की डेट चेंज हो गई है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, पर हाँ मिजोरम में हमारी संगठन की क्षमता कमज़ोर है और हम अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो वर्तमान में मिजोरम में क्या स्थिति इसके बारे में जानकारी। अंतिम सवाल है, कैलाश विजयवर्धना उनके क्षेत्र में रहने वाला है, किस तरीके से वो अपने परिणाम देख रहे हैं कल के बाद? नहीं, मैं तो लगभग 102 महीने के अंदर 103 सीटों पर गया हूँ और इसीलिए मैंने दावे से कहा है कि हम लोग सरकार बनाएंगे और 150 से ऊपर सीट आएगी हमारी, क्योंकि मैं एक एक गाँव में गया हूँ। ये सर्वे वाले 1000 सैंपल करते हैं, 1500 सैंपल करते हैं और चैम्बर में बैठ के फ़ोन से सैंपल कर लेते हैं, हमने तो मैदान में गए, हम 103 सीटों पर हमने देखा है सब कुछ। माहौल भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी का है, मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को बहुत विश्वास है, मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएँ और शिवराज जी की गरीब कल्याण के लोगों कल्याण की योजनाओं से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, लोगों का जीवन बदला है और इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि कल परिणाम साफ हो जाएंगे, राहुल गांधी को कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार बोला है कि बीजेपी भ्रष्ट है, करप्शन सिटी है, तो अंतिम कुछ आप उन्हें कहना चाहते हैं? नहीं, मैं राहुल जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि बोलने के पहले सोचा करें और जानकारी लेकर बोला करें तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। वो कब क्या बोलते हैं किसी को पता नहीं, और अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है, उसके बाद फिर ध्यान आया उनको, आई एम सॉरी मैं उल्टा बोल गया। तो वो राजनीति को सीरियस लेते ही नहीं और जनता भी उनको सीरियस नहीं लेती। 5 राज्यों में से कितने राज्यों में भाजपा सरकार बनाने वाली है? 3 राज्यों में तो हम 100% जीतेंगे। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। यानी कि तेलंगाना में आप स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ हम अच्छे से लड़ रहे हैं, पर हमारा संगठन थोड़ा सा कमज़ोर है। मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, पर वहाँ हमारा संगठन थोड़ा सा कमज़ोर है। साउथ हमने बहुत अच्छे, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, वहाँ पर हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत की, इसलिए मिजोरम का परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि हम गवर्नमेंट बनेगी वहाँ पर, हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी उसमें।